तो आज आपका भाई आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा गेम लेके आ चुका है। बास्केटबॉल के फैन हो, मोबाइल डिवाइस में देखा जाए तो एनबीए के बहुत ही लिमिटेड गेम्स हमें खेलने को मिल जाते हैं, लेकिन जितने भी सारे गेम्स रिलीज हुए हैं अब तक सबके सब बेस्टम बेस्ट है। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आपको बेस्ट गेम खेलना है तो नेट इस का डंग सिटी डायनेस्टी गेम को जरूर ट्राई कर सकते हो। अगर आप इस गेम को फॉलो करते हुए आए हो तो पता होगा इसका जो नया क्लोज बीटा टेस्ट है नेक्स्ट मंथ शुरू होने जा रहा है, लेकिन हम कैसे खेल पा रहे हैं उसको जानना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो गेम को हम खेलते खेलते ये सब चीजें तो डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा आपको होम स्क्रीन मिल जाता है, ग्राफिक्स यार बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं और नेट इसके गेम है, मतलब आप इससे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। सबसे पहले आपको बता दूं अभी के लिए जो गेम है सिर्फ और सिर्फ जापान और शायद फिलीपींस में रिलीज किए हैं, तो अगर आप जुगाड़ लगाना चाहते हो तो जापान और फिलीपींस के सर्वर से कनेक्ट होना होगा। उसके बारे में अच्छे से तो बात करेंगे और वीडियो में भी आप जान पाओगे देख के, लेकिन पहले हम गेम को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें आपको अलग अलग गेम मोड मिल जाता है, ऑनलाइन रह के ही आपको खेलना पड़ेगा, वीपीएन को भी यूज करना पड़ेगा गेम को खेलते हुए यानी लॉग इन करते हुए। एक बार अगर आप गेम के अंदर आ जाते हो उसके बाद वीपीएन को डिसकनेक्ट कर सकते हो। रैंक मोड शायद हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जी हाँ अभी 11.3 वर्सेस 3 का ही गेम मोड खेलना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं और स्टार्ट कर देते हैं गेम को। इसमें बैटल पास भी है, सप्लाई क्रिएट भी है, अलग अलग प्लेयर्स भी हैं, उनके स्पेशल मूव भी है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे एनबीए के यानी बास्केटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं उनको तो ये गेम काफी ज्यादा पसंद आएगा। क्यों हम बार बार रिपीट कर रहे हैं पसंद आएगा, ये तो गेम प्ले देखने के बाद ही आप समझ जाओगे। Players are taking the court one after another, looking forward to their performance. This match will be broadcast live via Mebo TV. तो शुरू हो चुका है हमारा खेल। हम एक ही प्लेयर को कंट्रोल कर सकते हैं इसमें से, 3v3 है, मतलब थोड़ा अच्छे से खेलना पड़ेगा। डिफेंस हम इस गेम में उतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर नूबड़े जैसे खेले तो भूल जाना, सिर्फ डिफेंस ही कर सकते हैं। पहला पॉइंट, वो भी 2 पॉइंट उनके टीम के पास, 11 पॉइंट, मतलब खत्म, ये मैच समझो, पास कर दो, हमसे ना हो पाएगा इतना दूर से शॉट नहीं यार। स्टील करो बॉल को जल्दी, पकड़ ले बेटा, नहीं चलो हमें पास मिल चुका है, किसको पास दें, ये ले पकड़, शूट शूट यार शूट, ट्राई कर, हम गल जा यार, अंदर चला जा, चलो अब तक तो सही है, यहाँ से शॉट लेते हैं। अरे यार थोड़ा सा रह गया, शॉट ले ले यार, शॉट ले ले, अंदर जा, पहला बराबर कर चुके हैं, 2-2। काफी इंटरेस्टिंग सा गेम है देखा जाए तो। जंप, अरे इस तरफ जंप करना था, पास पास पास, चलो स्पेशल मूव हमारा अनलॉक हो चुका है तो यूज कर सकेंगे अभी स्कोर करने के लिए। स्टील द बॉल, झपटा तो मार रहे हैं, पॉइंट कर लिया, पॉइंट कर लिया, चलो 4-4 बराबर मैच चल रहा है, हमें दे दे बेटा, स्पेशल यूज किया और 3 पॉइंट, 11 पॉइंट करना है हमें इस मैच को जीतने के लिए। तो मैच खत्म होने के बाद ही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस गेम को डाउनलोड करना है। नहीं पॉइंट नहीं, बहुत अच्छा, यहां से शॉट ले सकते हैं शायद, यार हट जा जल्दी, स्पेशल यूज किए और ये गोल, गोल तो नहीं बास्केट, 9 पॉइंट हो चुका है और एक स्कोर करना है यानी 2 पॉइंट और इस मैच को हम जीत जाएंगे। स्टील द बॉल नहीं कर पाए, कंट्रोल को अच्छे समझना पड़ेगा, मिस किया, मिस किया, शूट शूट करे क्या, नहीं कर सकते अभी, जब तक वो डिफेंस करेगा हम शूट नहीं कर पाएंगे, पकड़ बेटा, स्कोर कर, और इसके साथ हमारा स्पेशल और पॉइंट, देख रहे हो आपका भाई नूबड़ा हॉकी भी मैच को जिता चुका है, 3 स्कोर किए, 4 पॉइंट,
रैंक में भी आपको इसी तरह से अच्छा खेलना पड़ेगा यार। MVP टाइटल तो दे देते जाते जाते। तो अब बात करते हैं इस गेम को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको EEUT VPN का जरूरत पड़ेगा जो आपको प्ले स्टोर से फ्री में मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको जापान सर्वर सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो सब कुछ, या फिर फिलीपींस से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर जापान से डिटेक्ट नहीं हो रहा है प्ले स्टोर पे। तो उसके बाद आपको प्ले स्टोर का डाटा क्लियर करना है। क्लियर हो जाने के बाद आपको प्ले स्टोर पे ही जाके सर्च करना है डंग सिटी डायनेस्टी। अगर सब कुछ सही रहता है तो आपका गेम डिटेक्ट हो जाएगा और सिंपली आप वहीं से इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप गेम का टोटल साइज पूछोगे तो प्ले स्टोर से हमें डाउनलोड करना पड़ा 1.9 GB में, लेकिन इन गेम भी आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा लगभग कुछ 64 MB, यानी 2.2 GB में इस गेम को आराम से डाउनलोड करके खेल पाओगे। अब कैसे खेलना है उसके बारे में तो आपको बता चुके हैं, लेकिन और एक बात, आप जब पहली बार गेम में लॉग इन करोगे तो उसके लिए आपको और एक VPN का जरूरत पड़ेगा जो है पावर VPN। उसमें जाके आपको कनेक्ट करना है जापान सर्वर, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हो। एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद फिर आपको गेम को खोल लेना है और लॉग इन कर लेना है। आराम से लॉग इन हो जाएगा। अगर डाउनलोड में दिक्कत हो रहा है तो अलग अलग जगह से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको यहाँ तो बिल्कुल नहीं शेयर कर सकते हैं। पर्सनली हमें DM भी कर सकते हो, क्या पता आपको रिप्लाई हम दे दें गेम के साथ। और एक बार अगर आप गेम में लॉग इन कर जाते हो तो फिर VPN को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, उसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोबारा गेम को क्लोज करके गेम में लॉग इन करने की कोशिश करते हो तो फिर से वही प्रोसेस आपको दोहराना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब तक तो सब कुछ समझ में आ चुका होगा डंग सिटी डायनेस्टी गेम के बारे में। अगर हाँ तो खुशी में एक लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और चैनल को भी लगे हाथों सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हर शाम इसी तरह से इंटरेस्टिंग गेम का गेम प्ले लेके आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।